गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। आज है संडे एंड आज हमारा वीडियो बनाने का दिन है और टाइटल आप समझ ही गए होंगे कि हम आज कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। सो बेसिकली एक महीने पहले हमने एक DJI नियो ड्रोन लिया था अपने व्लॉग्स के लिए मोस्टली। सो एक महीने उसको यूज़ किया है हमने एंड व्लॉग्स में डाला हुआ है, ऐसे नॉर्मली भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। सो हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म रिव्यू बताएं कि एक महीने उसको यूज़ करके हमको कैसा लगा वो बेसिकली एंड उसमें क्या क्या फीचर्स है वो भी आपको एक शॉर्ट में हम बता देंगे आपको, सो दैट इनकेस अगर आप व्लॉगिंग के लिए या इसी शौक के लिए एज अ टॉय ड्रोन देख रहे हो तो आप उसको कंसिडर करो या ना करो, वो आपको एंड में एंड तक पता चल जाएगा। डेफिनेटली बिगनर ड्रोन तो है ये, फॉर बिगनर्स आई थिंक दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, बट या देखने के बाद आप जब इसको इसके फीचर्स देखोगे देन यू विल सी लाइक इफ यू लाइक इट ऑर नॉट। एक्चुअली आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सारे फीचर्स हम आपको बता देते हैं। सो चलते हैं, एक मस्त खूबसूरत से जैक्सन पार्क में हम लोग आए हुए हैं एंड ठंड भी बढ़ चुकी है, कोई जगह पे बैठते हैं और एक एक करके आपको फीचर दिखाते हैं। चलिए, सो ये हमारा ड्रोन बॉक्स है। बेसिकली हमने एक बॉक्स लिया हुआ जिसमें हम सारा हमारा ड्रोन का सामान रखते हैं। सो अगर आप सिर्फ ड्रोन लेते हो तो ये ड्रोन आपको रफली अराउंड $200 का मिलेगा CAD कैनेडियन डॉलर्स में, लेकिन हमने ये पूरा सेट लिया था जिस वजह से हमको ये DJI का जो कंट्रोलर है और एक्स्ट्रा दो बैटरीज मिले थे विद द चार्जर, तो ये सब चीज़ हमको एक पैकेज में मिला था फॉर $500। सो अगर आपको सिर्फ ड्रोन चाहिए तो ये आपको $200 में मिल जाएगा। अगेन DJI का सबसे सस्ता ड्रोन है, लेकिन सस्ता इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया, काफ़ी अच्छा है वो, आपको अभी एक एक करके हम दिखाते हैं। और बस अभी इसमें अलग अलग ये फंक्शंस है, मैं आपको अभी एक एक करके चालू करके फिर दिखाता हूँ। सो काफ़ी लाइट और एकदम अच्छे मटेरियल का ड्रोन है, सस्ता इसमें लगे नहीं कि कोई भी मटेरियल यूज़ किया है, हाथ लगाने में काफ़ी मस्त है, स्टडी लगता है, ऑन करना एकदम ईजी है जैसे बाकी DJI का जो ड्रोन है, सिर्फ एक बार आप प्रेस करो उसके बाद वापस एक और बार प्रेस करो आपका ड्रोन स्टार्ट हो जाएगा। बेस्ट पार्ट ड्रोन का ये है कि आपको कंट्रोलर्स की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट कुछ फंक्शंस हैं जो आपके लिए अलग अलग फीचर्स में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहले चालू करता हूँ ये ड्रोनी में बेसिकली क्या होता है, ये वीडियो आपका देखो अभी चालू होएगा, दूर जाएगा, आपका एक शॉट लेके वापस रिटर्न आपके पास खुद से आ जाएगा, कोई रिमोट की ज़रूरत नहीं, खुद से। मस्त था दूर, अभी वो खुद से ही एक शॉट लेगा एंड रिटर्न आ जाएगा। ये देखो बेस्ट चीज है, और इसमें ये ड्रोन को बंद करने का सबसे बेस्ट तरीका है इसके नीचे से आप हाथ रख दो तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। तो सेकंड फीचर जो है वो ड्रोन में जो खुद से रिकॉर्ड करता है वो है ये सर्कल वाला, जैसे ये वाला ऑप्शन है। अब सर्कल में क्या करता है वो आप खुद ही देख लो, अभी आपके एकदम मस्त गोल घूमेगा। ये देखिए फीचर। सो अभी जो थर्ड फीचर आप देख रहे हो वो है रॉकेट। अब रॉकेट में क्या करते हैं, ये अपने यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा, ऊपर से आपका शॉट लेते हुए वापस खुद से नीचे आ जाएगा, आप खुद ही देख लो एक बार। ये देखो यहाँ से ऊपर जाएगा मस्त। अपने जगह पे ही जहाँ से उसने टेक ऑफ किया है वहाँ पे वापस नीचे आएगा, आपने देखा वो थोड़ा सा हिल के वो अपनी जगह पे आ गया, हाथ में आते ही बंद हो जाता है। सो अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्पॉटलाइट का।
अब स्पॉटलाइट में वो क्या करता है वो मुझे खड़े होकर आपको दिखाना पड़ेगा। बेसिकली मैं खड़ा हो जाऊंगा और वो सिर्फ मुझे ही फोकस करेगा, अगर मैं हिलूंगा चलूंगा तो वो उस हिसाब से गोल गोल घूमते जाएगा। देख लो, अब ये खड़ा हो गया, ये मुझे देख रहा है। अब मैं जैसे थोड़ा चलूंगा वो हिसाब से गोल गोल भी घूमेगा। जगह पे ही रहेगा लेकिन वो मुझे रिकॉर्ड करते रहेगा। अगेन बहुत काम का फीचर है ये जो फुटेज है, जो नेक्स्ट आप देखोगे वो स्पॉटलाइट का होगा। सो नेक्स्ट इसका जो फीचर है जो हमने व्लॉग्स में बहुत ज्यादा यूज किया है वो है फॉलो का फीचर। सो फॉलो में बेसिकली क्या करता है ये, जैसे आप ऑन करते हो ये आपके पीछे पीछे आते जाएगा। देखो, भी जाओगे तो ये आपके पीछे पीछे आएगा। ये सारे फीचर्स जो आपने देखे वो बेसिकली ये ड्रोन से ही आप यूज़ कर सकते हो। ड्रोन में एक बटन है, बस उससे ही आप इसको पूरा यूज़ कर सकते हो। आपको एक कंट्रोलर या फिर जो इसका DJI का ऐप है उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ड्रोन को आपको हवा में उड़ाना है, ऊपर आपकी डायरेक्शन के हिसाब से उसको चलाना है, तो फिर आपको ये कंट्रोलर या फिर आप फ़ोन में जो DJI का ऐप है आप वो यूज़ कर सकते हो। जो नेक्स्ट शॉट मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो बेसिकली मैं मेरे कंट्रोलर से उड़ाऊंगा और ये जो खूबसूरत मेरा जो सिटी है विंजर उसके शॉट्स मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप वो एंजॉय करो। ये हमारे पायलट और इसमें एक ये रिटर्न टू होम वाला फीचर है जिसमें ड्रोन बेसिकली आप कहाँ पे भी उसको उड़ाओ सीधा आपके पास ही आ जाता है। देखो, गांव भर घुमाया हमने उसको, ये देखो ये सीधा अपने सर के ऊपर आ जाता है। इसको पकड़ते हम लोग और फिर आगे बात करते हैं। सो भी हम लोग फाइनली वापस गाड़ी में आ गए हैं ड्रोन उड़ा के। बाहर बहुत ठंड थी एंड बैटरीज पता नहीं फ़ोन का कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा था, ऑटोमेटिकली बैटरी डाउन हो रहा था, मेरा तो फ़ोन बंद ही हो गया। सो अभी कार में आके इसको थोड़ा चार्ज कर दिया हमने। सो ये आपने जो देखा ये हम लोग का फर्स्ट हैंड रिव्यू है, हमने इसको एक महीने यूज़ करके हमने जो भी सीखा है वो हमने इस वीडियो में डाला हुआ है बेसिकली। सो ये जो ड्रोन है ये 4K में वीडियो रिकॉर्ड करता है एंड अगर उसको आप अपलोड करते हो सही से 4K से तो आप 4K रेजोल्यूशन में भी आपके वीडियोस बना सकते हो इसमें। सो या वो एक चीज़ है इसमें। $200 में ये प्राइस रेंज में ब्रांडेड ड्रोन में आई थिंक सो ये बेस्ट ड्रोन है हमारे लिए। हमारा जो पर्पज़ है व्लॉग्स बनाने का वो ये ड्रोन सॉल्व करता है। अगर आप प्रोफेशनल शूट करते हो तो आई थिंक फिर आपको और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप सिर्फ एक हॉबी के हिसाब से ड्रोन यूज़ करना चाहते हो या फिर छोटे मोटे आपके एरिया के फोटोज़ वीडियोज़ लेना चाहते हो सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये ड्रोन ले सकते हो। इंडिया में भी ये अवेलेबल है,
आपको ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारे रीसेलर्स है, डायरेक्ट DJI नहीं बेचता इंडिया में लेकिन रीसेलर्स है, या फिर बाहर से कोई आता होगा तो आप इसको मंगवा सकते हो। एंड बस यही था मुझे और हनी को आपको ये वीडियो में इस ड्रोन के बारे में बताना था। हम यूजुअली ऐसे रिव्यू वीडियो नहीं बनाते, ये फर्स्ट टाइम था हमारा। हम लोग बेसिकली हम लोग बेसिकली व्लॉग्स बनाते हैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में। सो आप अगर वो सब वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो ड्रोन लेने के लिए सोच रहे हैं। सो दैट्स इट गाइज, मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। हम मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन, इट इज़ गुड बाय फ्रॉम मी, गुड बाय फ्रॉम हनी, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।